नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज में भारत और मैं हूं आपके साथ अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं बाबा महेंद्रनाथ धाम स्थल पे और यहां पे देख सकते हैं यही वो सरोवर है जिसमें कल एक व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो गई। और देख सकते हैं कल जब हम सुबह आए थे जो कि आपको हमने दिखाया उसमें ये कहीं ना किसी भी तरह से बैरिकेडिंग नहीं किया गया था। और जैसा यहाँ पे जो है जो लोग बता रहे हैं कि मात्र आधा से घंटा पहले इस तरह की बैरिकेडिंग की गई, इस तरह का बैरिकेडिंग कल किया गया था, कल था यहाँ पे और आज भी है, देखिए बैरिकेडिंग है ही वैसे। कल तो बताया गया था, कल सुबह भी हम भी आए थे 5 बजे तो इस तरह का बैरिकेडिंग नहीं था। नहीं था ऐसे, सुबह तो आए थे तो हम था। कितने बजे आए थे? 9 बजे। तो यानी घटना घटित होने के बाद इस तरह से लगाए गए। क्या लगता है कि यहाँ पे सुरक्षा का जो व्यवस्था, जिस तरह से कल की घटना घटी है, सुरक्षा की व्यवस्था तो होनी चाहिए, ये तो हम भी कहते हैं सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन कल थी कि नहीं थी? कल भी सुरक्षा थी, कल सुरक्षा, लेकिन आप आवश्यकता से ज्यादा, मतलब लिमिट से ज्यादा जब हो जाएंगे तो भाई होता ही है, कहीं भी कोई भी काम लिमिट से ज्यादा हो जाता है। अब कल पहले से वो थी शिवरात्रि, पहले सोमवार की बहुत लोग थे। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं जिस प्रकार से लोगों का यहाँ पर कहना है, जो बैरिकेडिंग की स्थिति है, यही चीज अगर हुआ रहता पहले से, यानी कि पहली सोमवार, ये हर कोई जानता है कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होगा। और ऐसा बताया जा रहा है जो कि पहले भी हमने आपको दिखाया कि बताया जा रहा था, जो कि पहली सोमवार को जब हम यहाँ पे पहले जो सावन की शुरुआत हुई जिस दिन हम आए थे तो बताया जा रहा था करीब कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पे जलाभिषेक पहली सोमवार को करेंगे। जब इस प्रकार की तैयारी थी तो खास तौर पे कहा जा सकता है कि इस तरह से तैयारी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन घटना घटित होने के बाद ये चीज तैयारी की जाती है। और आप सोच सकते हैं कि यही इसी नदी में एक व्यक्ति की डूबने से भी मृत्यु हो गई और 2 लोगों की जिस प्रकार से घटना घटित हुआ, भगदड़ मचे, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर पूरी तरह से जिला प्रशासन, वहीं SP ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से यहाँ पे जांच जो है किया जाएगा और जिस प्रकार से जो चीज है सामने वो चीज निकल के आएगी कि किन कारणों से ये चीज हुआ था और किन कारणों से नहीं हुआ था। लोगों को बताया जा रहा है कि रविवार को ही यहाँ पे दूर दराज से श्रद्धालु लोग आ चुके थे पूजा करने के लिए, यानी कि सुबह सुबह हम पूजा करेंगे, सबसे पहले हम पूजा कर ले इसी होड़ में, और इसी चीज की होड़ लगी रहती है कि हम पहले तो हम पहले, लेकिन इसका दुर्भाग्य कहीं ना कहीं 3 लोगों को झेलना पड़ा। और यहाँ पे देख सकते हैं नौजवान लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं और पूजा करने के लिए आए हैं। आज तो भीड़ जो है काफी कम देखी जा रही है, जिस प्रकार से यहाँ पे कल भीड़ थी, आज मंगलवार है इसलिए काफी भीड़ यहाँ पे नहीं दिख। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो दुकानदार हैं, दुकानदार लोग धरना पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो तमाम दुकानें हैं वो बंद हो चुकी है और वो लोग धरना पे बैठे हुए, जो आपने देखा ये स्थिति है। और स्थिति होने के बावजूद साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये मंदिर काफी फेमस है। इस मंदिर का पूरे सारण प्रमंडल नहीं, बिहार नहीं, बल्कि अदर स्टेट के भी लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, वो बलिया हो या गोरखपुर हो या तमाम शहर हो, वहां से लोग आते हैं और पूजा करते हैं, बाबा में विश्वास रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जिस तरह से पहली बार, जैसे कि बताया जा रहा है कि पहली बार इस तरह की घटना घटित हुई है, इसके पहले कभी भी इस तरह की घटना नहीं घटित हुई थी, आज यानी कि कल इस तरह की घटना पहली बार घटित हुई है। अगर साफ तौर पे जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त होते और जिस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं इस चीज को कहीं ना कहीं समझ भी पाते कि नहीं, लाइन से, कतार से, तमाम चीजों से हो करके जाना चाहिए और जा करके बाबा का जलाभिषेक करना चाहिए। हम जब सुबह 4:30 बजे आए थे तो हमने देखा कि पूरा अंदर जो जहाँ पे बाबा का स्थान है वहाँ पे जो भीड़ की स्थिति थी काफी दयनीय थी, जो हमने आपको दिखाया भी था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो घटना घटित होती है, जिस प्रकार से पुलिस महकमे, प्रशासन महकमे में हड़कंप मचती है, तमाम लोग यहाँ पे हिस्ट्री भी आते हैं, तमाम चीज होती है, और उसके बावजूद यहाँ पे सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अब अच्छी तरह से देखने को मिल रही है। अब दुकानदारों की रही बात, दुकानदार यहाँ पे देख सकते हैं आज पूजा का जो स्थान है काफी सारा दुकानदार बंद, दुकानदार जो है धरना पे बैठे हुए और दुकान यहाँ पे बंद है। तो देखना ये है कि आगे क्या फैसला होता है, ये चीज देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।